अचानक अगर घर में नकली पुलिस बनकर कोई पहुंच जाए तो एक पल के लिए आप उसे असली समझ लेंगे। कुछ ऐसा ही इन दिनों हाजीपुर में लोगों के साथ हो रहा है। नकली बिहार पुलिस बनकर हाजीपुर में चोर अपना असली खेल खेल रहे हैं। बीते सोमवार को वैशाली के एसपी मनीष कुमार ने ऐसे ही गैंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, कई घटनाओं के बारे में भी बताया। बताया जाता है कि 12 नवंबर की घटना है, राजा पाकर थाना क्षेत्र के हरपुर मुकुंदपुर गांव में पुलिस बनकर एक घर में शराब के नाम पर छापेमारी करने के लिए स्कॉर्पियो से 5 चोर पहुंचे। इसके बाद घर से कीमती सामान, पेटी और दरवाजे पर बांधी गई कुछ बकरी को लेकर जाने लगे। घर वालों ने देखा कि बक्सा और कीमती सामान के साथ दरवाजे से बकरियां भी गायब है। लमसम 11 बजे की कहानी, हम तो सोए हुए थे बगल में, लेकिन जरा सा भी आवाज हमारे कान में नहीं। इसी बीच वो अपना काम करके चला गया। क्या क्या सामान ले गया? 2 बकरी है जो 10-15 दिन में बच्चा देने वाली। रात्रि 11 बजे के बाद है, एक बोलेरो से 6-7 व्यक्ति आते हैं यहाँ पे, और 2 उतरने के बाद बोला जाता है कि मैं दारू चेक करने के लिए छापा मारने आया हूँ। लोगों को लगता है कि पुलिस विभाग का टीम नहीं है, विरोध करने का उनको घर में बंद कर दिया जाता है। अचानक घर वाला जब एक दूसरे को फोन करता है तो यहाँ से कुछ साथी लोग निकल पड़ते हैं। यहाँ से 200 मीटर आगे जाकर एक रविदास टोला पड़ता है, दोबर कोठी वार्ड नंबर 5 में। दर्जनों मोबाइल और वहाँ पे बकरियां खोल ली जाती है। उसी के कुछ आगे 4 नंबर वार्ड में शिवजी राय के घर जाते हैं लोग, वहाँ भी बोला जाता है मैं पुलिस विभाग से हूँ, नहीं मानने पे पिस्टन दिखाकर घर के चाबी मांगते हैं। लेकिन वो व्यक्ति शिक्षक थे, इसीलिए उन्होंने स्कूल का चाबी दे दिया, परंतु अपना घर का नहीं दिया, उसे छाती उल्टा रुका। पर हमारे घर के जस्ट सामने शंकर आए हुए, उनको उठाया गया, बोला दारू चेक करने के लिए घर आए हैं। इनको लगा कि नहीं ये पुलिस वाला नहीं है, तो इनको जबरदस्ती घर में बंद कर दिया गया। उसी के कुछ देर बाद यहाँ से निकलकर अगला घर में जाकर घटना का अंजाम लगातार दे दिया। खासी बकरी का चोरी है। वहाँ पे रविदास टोला है, वहाँ पे लगभग 4 से 5 खासी बकरी चोरी किया गया है, दर्जनों मोबाइल छीन लिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि 1000-2000 रुपए भी हमको जेबी से निकाल लिया गया है। मतलब जितना उस टोला का खासी बकरी था सब लगभग चोरी हो गया है। लगभग चोरी हुआ है, कुछ लोगों का बच गया है उठ जाने के कारण। क्या चोरी हुआ है आप लोग? मोबाइल चोरी हुआ है 2, और पैसे जेब में 1000 रुपया था वो निकाल लिया। कितने लोग आए थे? वो 3 4 आदमी थे। 4 आदमी? 8 आदमी बता रहा है। नहीं, 4 आदमी थे, एक बलोरो में था, 3 आदमी सब जगह मैंने चोरी कर रहे थे। सब एक बाहर, कुछ लोग बाहर थे। हाँ। सर, आप लोग आदमी को गिनती नहीं की? हाँ, गिनती नहीं किए, बाकी 3 जाने लगा था, लोग देखा कि 3 आदमी 4 आदमी थे, 3 वो चोर था, एक ड्राइवर था, 4 वो था। क्या क्या सामान चोरी हुआ? 2 मोबाइल था। कितने घरों में लगभग चोरी हुआ? लमसा में यहाँ हो गया, 5-6 घर में हो गया चोरी। इस टोला में दोबर गांव में कितना चोरी हुआ? बहुत। रात में ही ग्रामीणों ने राजा पाकर थाने को इसकी सूचना दी, बताया कि पुलिस बनकर चोर घर में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस की गाड़ी देख सभी चोर स्कॉर्पियो, एक बकरी और बक्से को छोड़कर बाकी सामान लेकर भाग निकले। पुलिस सारे सामान को लेकर थाने चली आई। बता दें कि बीते 9 नवंबर को चोरों के इसी गैंग ने हाजीपुर के तिसियौता थाना क्षेत्र के बिजरौली गाँव में रात के करीब 11 बजे इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। उत्पाद विभाग के टीम के नाम पर शराब के लिए छापेमारी करने पहुंचे और यहां से भी 6 बकरी को चुरा कर ले गए थे। इन दोनों मामले में तिसियौता थाना और राजा पाकर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वैशाली एसपी मनीष कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम बताकर रात में शराब को लेकर छापेमारी करता था ये गैंग। ये बकरी चोरी करते हैं, कीमती सामान ले जाते हैं। 5 चोरों के शामिल होने की बात सामने आई है। 1 स्कॉर्पियो, 2 टीन की पेटी, कागजात सहित 1 बकरी को बरामद किया था। दोनों थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई कर मामले का खुलासा करें। टीम बन के, ये उत्पाद की जो फर्जी टीम बन के किस तरह लूटपाट करने का जो मामला है, क्या पूरा मामला? ऐसे मैटर संज्ञान में आए हैं, एक तिसियौता थाना अंतर्गत, एक राजा पाकर थाना अंतर्गत, की स्कॉर्पियो गाड़ी का उपयोग किया गया और अपने आप को फर्जी पदाधिकारी बना करके घर का सामान, बकरी और कुछ सामान ले जाने की बात सामने आई। उसे हॉट परसूट भी किया गया राजा पाकड़ घटना में। उन घटना में उपयुक्त स्कॉर्पियो, चुराई गई बकरी को बरामद भी किया गया। दोनों जगह केस दर्ज किए गए, इस पर एक स्पेशल टीम बनाई गई है। बहुत शीघ्र इसमें संलिप्त जितना भी लोग हैं, जितना भी इस गैंग के मेम्बर्स हैं, वो अंडर अरेस्ट होंगे, तो उसके बारे में हम आपको और डिटेल से मतलब। कोई क्या, ये कोई साथी आदमी अभी नहीं पकड़ा गया है उनके द्वारा, जो मतलब घटना कारित करने के बाद भागने के क्रम में उनका हॉट परसूट किया गया,
और जो गश्ती दल था राजा पाकड़ का, उसने उनका पीछा करते हैं उस गाड़ी को बरामद किया। इसके बाद वो भागे, गाड़ी में जो सामान था, जो चुराई हुई चीज़ें थी, उनको बरामद किया गया। तो बहुत जल्दी हम लोग उसके बेसिस पे उस जो एविडेंसेस हमको मिले हैं और आगे हमें अनुसंधान में हेल्प मिल रही है और हम उस टीम को पकड़ेंगे जिसने काम किया।